कोविड-19 की जो सेकेंड वेव अभी फरवरी से शुरू हुई है, उसमें हमने देखने में आया है कि जो ब्लैक फंगस, जिसको कि हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, इसके केसेस काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए। वैसे तो जो म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस के केसेस कोविड से शुरू होने से भी पहले हम लोग देखते थे, पर साल में काफ़ी कम केसेस पीजीआई में आते थे। अभी इसके केसेस इतने बढ़ गए हैं कि अभी हमारे पास पीजीआई में 35 केसेस है, जिसमें से 24 केसेस हमारे कोविड पॉजिटिव है और 11 केसेस कोविड नेगेटिव है। और इसको हमें मैनेज करना एक काफ़ी बड़ा काम है। ये देखने में आया है कि जो पेशेंट कोविड के हैं और जो डायबिटिक है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसमें पेशेंटों को, काफ़ी लोगों को इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड हुआ है, तो उसमें ये म्यूकर माइकोसिस देखने में आया है। कई बार तो जैसे कोविड के पेशेंट को ट्रीट किया गया और इवन डिस्चार्ज होने के बाद में भी ऐसे केसेस देखने में आए हैं। ये जो पेशेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक तो नेजल ब्लॉकेड हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, नाक से डिस्चार्ज भी आता है, ऑर्बिट की और आई की भी स्वेलिंग आती है, और कई बार दो 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 भी दिखते हैं, डिप्लोपिया जिसको कहते हैं हम, और इसमें लॉस ऑफ विजन भी देखने में सामने आता है। ऐसे केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो नेजल साइनिसिस होते हैं वो फंगस से भरे होते हैं, और आई में भी प्रोप्टोसिस या काफ़ी स्वेलिंग आई में देखने में आती है। इसके लिए सिंपल टेस्ट है कि नोज से सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें कि म्यूकर माइकोसिस को कंफर्म किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या हमें करना चाहिए? एक तो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनका कंट्रोल का होना ज़रूरी है, डायबिटिक कंट्रोल ज़रूरी है। दूसरा, अगर वो हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड पे है तो उनका जो स्टीरॉयड है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तीसरा ये है कि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जो साइनेसिस आमतौर पे जो भी साइनेसिस है, जैसे कि इथमोइडल या मैक्सिलरी साइनेस भरे होते हैं, तो उसको हमें डिब्राइड करना ज़रूरी होता है। कई बार तो सिचुएशन इतनी भयंकर होती है कि जैसे ऑर्बिट और आई को भी निकालना पड़ जाता है। और चौथा ये है कि जैसे जो एंटी फंगल है, पर्टिकुलरली जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, उसको हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें देना पड़ता है, और उसको 3 से 4 हफ्ते दिया जाता है। जब एक बार ट्रीटमेंट ऐसे मरीजों को ना दें तो प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है। अगर मैं तो यही समझता हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रिवेंशन करना है। कोई भी पेशेंट जो जो कोविड पॉजिटिव है, उसमें अगर साथ साथ में डायबिटिक है, तो उसमें हमें स्टीरॉयड को तभी देना है जब जब बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो। अगर सिचुएशन अच्छी हो तो देने की, स्टीरॉयड को देने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा ये कि कंट्रोल, डायबिटिक का कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे तो पीजीआई में ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए टीम है, जिसमें कि हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, जो कि सर्जिकल, ये तो सर्जिकल टीम है, और साथ साथ में मेडिकल स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, और साथ साथ में हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो सैंपल को कंफर्म करते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि हमें इस डिजीज़ को बढ़ने से रोकना है, और उसके लिए यही है कि कोई भी कोविड पेशेंट है या नॉन कोविड है पेशेंट है, जो डायबिटिक है, उसमें इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बीमारी को नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित किया है। कोई भी मरीज़ आता है तो उसको हमें नोटिफाई करना ज़रूरी है।